Hey everyone, welcome back to my channel. तो कैसे हो आप लोग? I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक डांस ट्यूटोरियल. सॉन्ग का नेम है सॉफ्टली, जिसको गाया है करण औजला ने. और इसमें जो डांस स्टेप्स है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह. तो मैंने सोचा आपको सिखा देती हूँ. छोटा सा ट्यूटोरियल है, जल्दी से सीख जाओगे. स्टार्ट करते हैं. तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए होने वाला है बोनस ट्यूटोरियल. व्हाई? बिकॉज इसमें मैं आपको डबल एडी स्टेप्स भी सिखाऊंगी. हाँ, डबल एडी मीन्स जो पंजाबी में फुट स्टेप्स चलते हैं ना गिद्दा के टाइम, वो वाले. तो अभी स्टार्ट करते हैं. आपको देखो, एक लेग को आप पीछे रखना है थोड़ा सा, एक लेग को आगे, ठीक है? अब जो पीछे वाली लेग है ना, मोस्टली राइट लेग ही पीछे होती है, बट कई जनों का ना मतलब उल्टा चलता है, उल्टा पैर चलता है कई बार. तो मैं बता रही हूँ कि एक पैर पीछे एक पैर आगे. अब आपने क्या करना है, जो आपको पीछे वाला पैर है ना उसको पूरा मारना है फुल, बट जो आगे वाला पैर है उसकी सिर्फ एड़ी मारनी है, ठीक है? अड्डी, डबल अड्डी है ना इसका नाम. तो अड्डी मीन्स होता है एड़ी, हील, ठीक है? अब देखो कैसे. 1 2 अब 3 आएगा तो आपका जो एड़ी वाला पैर है ना वो बैक आएगा इसके बराबर में. 1 2 3 1 2 3 अब इसको कंबाइन करते हैं, ठीक है? थोड़ी सी स्पीड में करते हैं. 1 2 3 1 2 3 आपने जंप करनी है. और जब आप जंप करोगे तो आपका जो पीछे वाला पैर है ना वो हल्का सा बेंड हो जाएगा. 1 2 3 और स्पीड के साथ करें तो लाइक दिस. 2 1 2 फ्रंट से देखो. 1 2 1 2 ठीक है? अब इस सेकेंड स्टेप है डिपिंग. जो वेडिंग्स में आप डांस करते हो ना उसमें डिपिंग ही चलते हैं. तो फुट स्टेप है, देखो वही सेम आगे पीछे पैर रखने हैं, बट इसमें जस्ट आपने आगे वाले पैर को ऊपर उठाना है. कैसे? 1 2 1 2 1 2 अब इसको एक ही काउंट करो, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अब स्टेप स्टार्ट करते हैं, हैंड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं. फुट स्टेप्स ये वाले चलेंगे, ठीक है? अब इस स्टेप में आपने डबल एडी चलानी है, बट आपने फ्रंट में नहीं साइड साइड में जाके चलानी है. कैसे? देखो 1 2 1 2 ठीक है? अब इसमें हैंड्स कैसे चलाने हैं, देखो दोनों हैंड्स की मुट्ठी बनानी है और जो आपका राइट हैंड है वो ऐसे मारेगा, ठीक है? लेफ्ट हैंड की कलाई पे. और हाँ, दो बार मारना है, ठीक है? कैसे? 1 2 नेक्स्ट इसमें आपने देखो सेम पैर चलेंगे बट फिंगर ऐसे चलेगी. 3 4 ठीक है? 1 2 ये था, 3 4 ये. इसको कंबाइन करते हैं. 1 2 3 4 नेक्स्ट अब आपने करना है, देखो वो वाले पैर चलाने हैं डिपिंग वाले, ठीक है? अब डिपिंग तो करनी है, इसमें आपने हल्के से पैर को थ्रो करना है बाहर की तरफ, ठीक है? हैंड्स दोनों फिंगर्स ऐसे और दोनों फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाने हैं ऐसे, ठीक है? और ऐसे घूमते घूमते ऊपर की तरफ आएगा. स्टार्ट. 1 2 3 4 नेक्स्ट अब देखो दोनों हैंड्स ऐसे रखने हैं. हैंड्स को हैंड की मूवमेंट देखो, पहले यहां पे रखा हैंड, अब हैंड को ओपन करना है, ठीक है? जब आप ओपन करोगे तो हैंड्स पलट जाएंगे, जो हैंड नीचे था वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो घूम के नीचे चला जाएगा. अब इसमें आपने चलनी है डबल एडी. 1 2 3 4 ठीक है? अब 5 जो फिफ्थ पॉइंट में आपने करना है ओपन, जस्ट एक झटके में ओपन किया. देन अभी हैंड मूवमेंट क्या करनी है, दोनों कलाई को ऐसे ऐसे घुमाना है, ठीक है? और पैर चलाने हैं डिपिंग वाले, थोड़ा सा ना बॉडी को टिल्ट कर देना, बिल्कुल सीधे नहीं करना, हल्का सा टेढ़े, और ऐसे देखना है आपने. 1 2 3 4 नेक्स्ट अब हैंड मूवमेंट क्या करनी है, एक हैंड यहाँ पे रहेगा, एक हैंड यहाँ, ठीक है?
साइड में टच किया, फिर शोल्डर टच किया, देन ओपन हेड शोल्डर ओपन, ठीक है। पैर चलाओ डबल एंडी, 1 2, इसको अब हम डबल काउंट करेंगे। हर बीट ना 2 के टेबल में चलती है, लाइक कैसे जब हम स्टेप करते हैं तो या तो 2 काउंट करते हैं या 4 या 8 16, ठीक है ऐसे। और तभी इसलिए हमने अभी 3 स्टेप्स की है, बट इसको हम काउंट करेंगे 2, ठीक है। अब स्टेप क्या था, 1 2, यहां से आपका राइट हैंड आएगा आगे, आपने कार चलानी है, ठीक है, एक हैंड से, और दूसरे हैंड से दूसरा हैंड आपने यहीं पे रखना है, ठीक है। चला 1 2, ठीक है, फिर से करते हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट स्टेप है, अब देखो आपने एक और कुर्ती सवाला, ये वाली लाइन है, इस पे आपने देखो सिर पे टच करना है, शोल्डर एंड वेस्ट पे टच करना है, एंड देन ऐसे थ्रो, ठीक है, थोड़ा सा नखरा दिखा के। अब पैर तो वो आपको आते ही है, ठीक है, ये वाले 1 2 3 4। नेक्स्ट, अब आपने जो डबल हड्डी पैर करना है ना, इसमें आपने बहुत बेंड होके करना है, ठीक है। असली जो डबल हड्डी स्टेप होता है ना, वो गिद्दे वाला, वो बेंड होके ही होता है, ठीक है। अब आपने देखो ऐसे ड्रेस होल्ड करनी है, यहां से आपका राइट हैंड है शोल्डर के पास से, ऊपर से सर्कल बना के नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, एंड यहां पे आएगा जब, तो आपने एक थंब ऐसे, ठीक है, थम्स अप करना है, और सिर के ऊपर से घुमा के ऐसे छोड़ देना है, ठीक है, कैसे 1 2। अब आपने इसमें डबल हड्डी चलानी है, ठीक है, और इसको ना आपने 4 काउंट नहीं करने, 2 काउंट करने हैं, क्योंकि जो पूरा स्टेप है ना वो 8 काउंट्स में होगा कंप्लीट। देखो 1 2 3 4। और हाँ एक चीज और, जब आप ये घुमाओगे ना तो आपका जो अपर बॉडी है ना वो भी साथ में ऐसे घूमेगी, ठीक है, सिर को भी घुमाना साथ में। नाउ अब आप टेढ़े हो गए, ठीक है, एक हैंड उल्टा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच शोल्डर एंड थ्रो, ठीक है, थोड़ा सा फील लेके करना है, 1 2 3 4। चुन्नी मेरी रंगदिल लड़ाई वाली लाइन आएगी, जो मेन लाइन है सॉन्ग की, ठीक है। अभी आपके हैंड ऐसे ही है, अब देखो हैंड आप पीछे था ना आपका, अभी आपने देखो हैंड को नीचे से आगे लेके आना है, जब आपका हैंड आगे आएगा तो फिर वापस नीचे लेके जाना है एंड ऊपर से सर्कल बनाना है, फिर देखो हैंड ऐसे है, और लास्ट स्टेप पे आपका फिनिश हुआ, 1 2। यहां से आपने हैंड घुमाना है और चुपकी बजानी है, नीचे से हैंड घुमाना है, ध्यान से देखो कैसे, यहाँ पे है ऐसे हैंड डाउन एंड ऐसे हो गए और चुपकी बजा, ठीक है। और फुट स्टेप्स, आप फिर फुट स्टेप्स करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। नाउ अब आपने कार चलानी है, ठीक है, आपने चुटकी बजाई तो आपके हैंड ऐसे हो गए, अब यहाँ से ऐसे स्टेरिंग बना लो, अब डिपिंग वाले पैर चला के आपने सीधे आना है और कार चलानी है, 1 2 3 4। नेक्स्ट, अब देखो दोनों फिंगर्स ऐसे रखो जैसे चुन्नी नहीं पकड़ते, सेम वैसे, ठीक है। इसमें पैर देखना, एक पैर राइट पैर आगे आएगा, राइट पैर पीछे, आगे पीछे, ठीक है। हैंड्स कैसे होंगे, ऊपर ऐसे फिर नीचे, 1 2 3 4। नेक्स्ट, अब लास्ट स्टेप है इसका, गड्डी वाला स्टेप है, ठीक है, कार चलानी है ऐसे, आपने पहले ऐसे चलाई थी ना, अभी लास्ट कार कैसे चलानी है आपने, 1 2 3 4। और एल्बोस को ऐसे मतलब खींच के रखने, हैंड्स को टाइट, ठीक है, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, टाइट रखोगे तो ऐसे मतलब शोल्डर की मूवमेंट होगी, ठीक है, ऐसे घुमाना है। ये स्टेप लास्ट वाला फिर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो मेन स्टेप था ना उसको हम पूरा करते हैं, यहां से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
3, 4. That's it. तो guys ये था आज का tutorial. अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपने ये step सीखा, तो kindly इस video को like करना और channel को subscribe कर देना. अगर आपको ऐसा ही short tutorial, reels वाले tutorial चाहिए तो आप मुझे comment में बता सकते हो. Till then, bye bye guys. Love you all.